Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is examples on two sets of observation. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आता है एंड जिसका आप आगे यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. So use basic concept of statistics to solve engineering related problems. यानी कि statistics के basic concept का use करते हुए आप engineering related problems solve कर सकते हो. Now learning outcomes. So आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू राइट एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन कर सकते हो एंड कंपेयर द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. दो सेट जो आपको गिवन रहेंगे उसका ऑब्जर्वेशन का आप कंपैरिजन भी कर सकते हो. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर फर्स्ट क्विकली रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक. हम प्रीवियस लेक्चर की क्विकली रिवीजन करते हैं. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा न्यू फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो हम सभी को पता ही है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए, लेकिन दूसरा और एक फॉर्मूला यूज़ करते हुए भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो हमने वो नया वाला फॉर्मूला उसमें पढ़ा. क्या फॉर्मूला देखा हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई इंटू एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. यहाँ एक्स बार यानी क्या है? मीन. ये नया फॉर्मूला हमने देखा एंड एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग न्यू फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें दो सेट दिए जाएंगे, यानी कि सेट वन सेट टू, या फिर फैक्ट्री वन फैक्ट्री टू, ठीक है, कंपनी वन कंपनी टू, वर्कर वन वर्कर टू, ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे एंड वो हमें उसमें कंपेरिजन करना है, ठीक है, कि कौन सा सेट कंसिस्टेंट है, मोर कंसिस्टेंट. सो उसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हम सभी को पता ही है. क्या फॉर्मूला है वो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या फिर उसे क्या कहते हैं? सी वी, ठीक है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू हंड्रेड. सिग्मा यानी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन. एक्स बार यानी मीन, उसे ही एवरेज कहते हैं, इंटू हंड्रेड. सो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. अब देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट ए, यानी कि सेट वन, इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट टू. मतलब आपने ये फाइंड कर लिया सेट वन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड सेट टू का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. एंड अगर सेट वन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर लेस आ गया, मतलब छोटा आ गया सेट टू से, सी वी वन इज लेस देन सी वी टू, तो हम क्या कह सकते हैं? सेट वन इज मोर कंसिस्टेंट. क्योंकि आपका क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, विच सेट इज मोर कंसिस्टेंट. तो जो सेट का आंसर छोटा रहेगा वो सेट क्या रहेगा? मोर कंसिस्टेंट. अगर सेट नंबर टू की आंसर जो है वो सबसे छोटी रही अगर सेट वन से, तो हम क्या लिखेंगे? सेट टू इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है. उसे ही क्या कहते हैं? मोर स्टेबल. जिसकी वैल्यू छोटी रहेंगी वो मोर स्टेबल रहेगा एंड उसे ही क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट. तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए
अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर बी, क्योंकि उसमें ए बी सी ऐसे तीन क्वेश्चन रहते हैं, सो बी में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. सो ए क्वेश्चन एंड सी क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का रहता है, एंड जो बी क्वेश्चन है उसमें आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सब क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर मार्क्स कितने थे, 3-3, तो उसमें एक क्वेश्चन इसका आता ही है. ठीक है, विच सेट इज मोर कंसिस्टेंट. सो ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब हम वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो. देखिए यहाँ पे दो सेट नजर आ रहे हैं, एक सेट 1 है और एक सेट 2 है. ठीक है, उसका हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है. अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द टू सेट्स इज मोर कंसिस्टेंट. इसका मतलब दोनों सेट में से कौन सा सेट ज़्यादा कंसिस्टेंट है. सो हमें पता ही है जिसका आंसर छोटा रहेगा वो सेट कैसा रहता है, मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल रहता है. ठीक है, सो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीवी. तो सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. और ध्यान से यहाँ पे सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है क्या, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है. ठीक है, दोनों ही सेट में हमें सिर्फ ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, फॉर्मूले में, एंड सॉल्व करने के बाद किसका आंसर छोटा है वो चेक करना है, वो सेट कैसे रहेगा, मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल. ठीक है, सो ध्यान से देखिए सेट 1 एंड सेट 2 को हम देखें कैसे. तो सेट 1 ऐसा हमें कॉलम में नज़र आ रहा है, तो इसका ऑब्जर्वेशन यानी डाटा ये रहेगा नीचे का, एंड सेट 2 तो उसका डाटा ये है. क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, ठीक है, ध्यान से देखिए सेट 1 यहाँ भी हो सकता है, सेट 2 नीचे दिया रह सकता है. तो जब ये रो में दे रहेंगे ऐसे सेट 1, तो हमें रो में देखना है, एंड सेट 2 यानी सेट 2 को रो में देखना पड़ेगा और डाटा को. ठीक है, ठीक है, तो अभी ये कॉलम वाइज है तो हम कॉलम में देखते हैं. देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक्स बार. एक्स बार मतलब क्या होता है, मीन. तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में एक्स बार न डालते हुए वो क्या लिख सकते हैं, मीन या फिर एवरेज या फिर एवरेज मीन, इनमें से कोई भी वर्ड या फिर ये एक्स बार भी वहाँ हो सकता है का मतलब क्या है, मीन. ठीक है, एंड सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा की जगह पे वो ऐसा भी डाल सकते हैं सिग्मा एक्स. ठीक है, और अब इसे वाई बार भी लिख सकते हैं, इसे वाई बार लिखे या फिर जेड बार, लेकिन ये रहेगा क्या, मीन, एंड ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो अब हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो दो सेट होने के कारण तो हमें दो कैलकुलेशन यहाँ पे करने पड़ेंगे. ठीक है, साइड में या फिर एक के नीचे आप एक कर सकते हो. तब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो पहले सेट 1 के लिए, सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेट 1. अगर यहाँ ए दिया होता तो हम ए लिखते, बी दिया होता तो हम बी लिखते. ठीक है, फैक्ट्री लिखा होता तो हम फैक्ट्री ए लिखते. तो फॉर सेट 1, फॉर सेट फर्स्ट. ठीक है, सो तो क्या निकालना पड़ता है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना है. सो यहाँ पे लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. अब ये सेट 1 का है तो सी वी सेट 1 ऐसा आप लिख सकते हो. क्या फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100 इक्वल्स टू. अब वैल्यू तो हमारे पास है ही, हम पुट करते हैं सिग्मा. ध्यान से स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं, हर स्टूडेंट नहीं करते, लेकिन देखिए छोटी छोटी मिस्टेक और आपका आंसर गलत हो सकता है. कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में होता ही है. ठीक है, और बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो सिग्मा यानी सिग्मा कहाँ है, ऊपर है नीचे, बराबर उंगली रखनी है और वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है. सिग्मा यानी यहाँ पे 7.3 अपॉन एक्स बार, यानी देखिए यहाँ का एक्स बार लिखेंगे क्या आप, नहीं, क्योंकि सेट 1 का कैलकुलेशन चल रहा है तो सेट 1 में ध्यान रहना चाहिए आपका. सो एक्स बार कितना है, 82.5 × 100. ठीक है, सो अब इसका हम आंसर फाइंड करते हैं कैलकुलेटर में. सो कैलसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन करेंगे. ठीक है, कर लिए ऑन.
अब देखिए ये वैल्यू पूरी आप एक साथ कैलकुलेटर में डाल सकते हो। सो एक टर्म ऊपर है, एक टर्म नीचे है, जैसा दिख रहा है वैसा ही कैलकुलेटर में डालना है। सो एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे ही बटन हमारे कैलकुलेटर पे प्रेजेंट है। कहाँ पे है वो ध्यान से देखिए, ये बटन है वो आपके कैलकुलेटर पे, ध्यान से देखिएगा। तो ये बटन हमने दबा दी, दबाने के बाद ध्यान से देखिए एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, ये बॉक्स दो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऊपर क्या डालेंगे हम, 7.3। सो ये है 7.3। अब नीचे उतरना है तो ये बड़ी सी बटन और यहाँ नीचे का एरो, ठीक है। तो ये हमने दबा दिया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, 82.5। सो 82.5 डाल दिया, ऊपर डाल दिया 7.3, ये बड़ी सी बटन से हम नीचे उतर गए एंड 82.5। अब ख़त्म हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में 100 भी है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम यहाँ 100 मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालेंगे सो ये तो नीचे हो जाएगा, लेकिन हमें नीचे लिखना है क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन, नहीं, साइड में। तो ये बड़ी सी बटन है, यहाँ पे ये साइड का एरो हम दबाएंगे। ध्यान से देखिए आपका कर्सर कहाँ चला गया, साइड में। अब मल्टीप्लिकेशन एंड क्या डालना है, 100, 100। देखिए पूरी वैल्यू हमने डाल दी 7.3/82.5×100। लास्ट में कौन सी बटन दबाएंगे हम, इक्वल, क्या बता रहा है, फ्रैक्शन में। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो हम SD के बटन दबाएंगे, तो हमें फ्रैक्शन का कन्वर्शन पॉइंट में करके मिलेगा। कौन सी बटन है वो, ये देखिए ये डिलीट के बटन के ऊपर SD के बटन है, तो ये SD के बटन हम दबा देंगे। सो आंसर कितना बता रहा है ध्यान से देखिए, 8.84, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे डिजिट नज़र आ रहे हैं लेकिन हम दो ही डिजिट लिखेंगे, सो 8.84। सो देयरफॉर CV set 1 8.84%, ठीक है। सो सेट वन का हमने CV1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लिया है। इसी तरीके से अब हम किसका निकालेंगे, सेट नंबर 2 का, ठीक है। सो सेट 1 का हो गया, अभी सेट 2 का। अब मैं साइड में निकाल रही हूँ कैलकुलेशन, आप नीचे भी कर सकते हो आपकी कॉपी में। सो फॉर सेट नंबर 2, अब सेट नंबर 2 का कैलकुलेशन फिर से वही लिखना है हमें फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये कौन से सेट के लिए, सेट नंबर 2, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं CV set 2। फॉर्मूला क्या है, कोई भी सेट का आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ऊपर रहेगा न्यूमेरेटर में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे एक्स बार यानी मीन इनटू 100, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते वक्त संभाल के पुट करनी है, सेट नंबर 2 में है तो सेट नंबर 1 को हम देखेंगे क्या, नहीं, सेट नंबर 2। अब ऊपर नजर आ रहा है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 8.35। सो 8.35 डिवाइडेड बाय एक्स बार, एक्स बार यानी मीन। सो कितना है यहाँ पे, 48.75×100, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, सो इक्वल्स टू CV set 2। सो हमने कैलकुलेटर लिया, पहला वाला कैलकुलेशन डिलीट कर दिया। अब देखिए ये कैलकुलेटर में डालना है, तो आपको जैसे दिख रहा है ये टर्म वैसे ही कैलकुलेटर में डालना है। तो ध्यान से देखिए, इक्वल के बाद में एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, तो ये बटन है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। सो ये बटन हमने यहाँ पे दबा दी। अब देखिए ऊपर एंड नीचे टर्म के लिए यहाँ पे दो बॉक्स आ गए हैं। सो ऊपर 8.35, नीचे उतरने के लिए बड़ी सी बटन 48.75, साइड में जाना है तो ये बटन दबा दी, मल्टीप्लिकेशन 100, 100, एंड लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी। फ्रैक्शन में बता रहा है तो डिलीट के ऊपर SD के बटन दबा दी। कितना बता रहा है ध्यान से देखिए, 17.12। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 17.12%। सो ये हो गया हमारा CV2, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट नंबर 2। सो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द टू सेट्स इज मोर कंसिस्टेंट, यानी कि दोनों सेट में से कौन सा सेट मोर कंसिस्टेंट है।
अभी अभी हमने देखा कैसे पता चलता है वो। जिस सेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस छोटा रहेगा, लेस वैल्यू रहेंगी, वो सेट क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट। सो अब आप ध्यान से देखिए दोनों ही आंसर में कौन सा आंसर लेस है, छोटा है। तो CV1 है 8.84 एंड CV2 है 17.12। तो CV1 छोटा है, सो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे। सो देयरफोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट 1 इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट 2। कौन छोटा नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए CV1, यानी कि कौन सा सेट मोर कंसिस्टेंट हो गया। सो लास्ट में हम लिखेंगे therefore set 1 is more consistent than set 2। इतना भी आपने लिखा तो भी राइट है। तो therefore set 1 is more consistent than set 2। इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है एंड क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स। तो आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है एंड वैल्यू पुट करते वक्त आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जो वैल्यू पुट करते हैं बस ये उल्टी कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए उनका यहाँ पे आंसर गलत आता है। तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, कोई कोई स्टूडेंट 100 लिखना भूल जाते हैं, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि CV का फॉर्मूले में 100 आता है। सो याद रखिए ऐसा ये एग्जाम्पल है, 2 सेट दिए रहेंगे, हमें लिखना है फॉर सेट 1 कैलकुलेशन, फॉर सेट 2 कैलकुलेशन। हमने लिख दिया फॉर्मूला, अब सेट 1 की वैल्यूज पुट की, आंसर फाइंड किया, सेट 2 की सिग्मा एंड एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेटर में डाला, आंसर फाइंड कर लिया एंड दोनों में से चेक किया कौन सा सेट का आंसर छोटा है, लेस देन है, ठीक है। सो CV1 लेस देन CV2, सो देयरफॉर सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट, सेट 1 इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, अभी हमने यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके से आपको ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए सॉल्व करने हैं। सो द 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो, विच ऑफ द 2 सेट्स इज मोर कंसिस्टेंट। सो सेट 1 सेट 2, यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दिए हैं, तो आपको बराबर सॉल्व करना है। सेट 1 ध्यान से देखिए यहाँ पे सेट 1 सेट 2 कैसे दिए, रो वाइज दिए, तो आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है ऐसे उठाना है कि सेट 1 का मीन एक्स बार ये है, सेट 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सेट 1 का और सेट 2 का मीन एंड सेट 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है। सो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में क्या क्वेश्चन पूछा है आपको। सो यहाँ पे फैक्ट्रीज दिए, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी। सो एवरेज आपको ऐसा लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी बी का एवरेज यानी मीन, एवरेज यानी क्या होता है मीन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच फैक्ट्री ए और बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, यानी कि ए एंड बी में से कौन सी फैक्ट्री का ग्रेटर वेरिएबिलिटी है। यहाँ पे ऐसा पूछा है क्या उन्होंने कि विच सेट इज़ मोर कंसिस्टेंट, नहीं, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि विच फैक्ट्री हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो याद रखिए ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उल्टा करना है, कैसे, जिसका आंसर बड़ा रहेगा उसकी ग्रेटर वेरिएबिलिटी रहेंगी, ठीक है। ग्रेटर वेरिएबिलिटी मतलब जैसे देखिए किसी के पास 5 कलर के स्केच पेन हैं और किसी के पास 7 कलर के हैं, तो उसके पास ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका आंसर बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है ग्रेटर वेरिएबिलिटी, तो जिस सेट का आंसर बड़ा रहेगा वो सेट क्या रहेगा, हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो ध्यान से देखिए यहाँ आंसर से चेक करते हैं, CV फैक्ट्री ए एंड ये फैक्ट्री बी, इसका आंसर आ रहा है 14 पॉइंट एंड इसका आंसर आ रहा है 15 पॉइंट, तो किसका आंसर बड़ा नजर आ रहा है 15 का, तो इसीलिए फैक्ट्री बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। सेम यहाँ भी रहेगा, ये आंसर आपको फाइंड करना है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है ग्रुप बी, ठीक है। तो इस तरीके से विच सेट इज़ मोर कंसिस्टेंट पूछा,
तो क्या आंसर आना चाहिए? जिसका आंसर छोटा है वो मोर स्टेबल मोर कंसिस्टेंट। एंड विच फैक्ट्री विच टीम हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, तो जो आंसर बड़ा रहेगा वही उसके क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को स्टॉप करिए, फिर से रिपीटेडली देखिए, और आपकी कोई डिफ़िकल्टी आती है फिर भी तो आप सब्जेक्ट टीचर को कॉल कर ही सकते हो। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं असाइनमेंट के तौर पे, आपको पूरे अभी के अभी तुरंत वीडियो देखने के बाद तुरंत सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला देखा हमने अभी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसे ही कहते हैं सी वी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। यहाँ पे सिग्मा यानी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार यानी मीन, उसे ही कहते हैं एवरेज, इंटू 100। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा। एंड सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के जो एग्जांपल हैं वो सॉल्व किए एंड बताया कि कौन सा सेट मोर कंसिस्टेंट है। तो जिस सेट का आंसर लेस आता है यानी छोटा आता है वो सेट क्या होता है? मोर कंसिस्टेंट मोर स्टेबल होता है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस चैप्टर का आगे कैसे यूज़ होता है, ठीक है, आगे के फील्ड में, तो उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। सो बेसिक नॉलेज, तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन, टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड करनी, इसका बेसिक नॉलेज मिला। इसीलिए बेसिक नॉलेज ये पीओ सेटिस्फाइड होता है। सेकेंड डिसिप्लिन नॉलेज, इस बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए पीओ टू भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, माइक्रो प्रोजेक्ट करते वक्त आप वो इंडिविजुअली भी कर सकते हो या फिर टीम में भी माइक्रो प्रोजेक्ट होता है जहां मॉडल बनाने पड़ते हैं, तो उस वक्त इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, ये पीओ भी यहां पे सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, तो माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करते वक्त आप टीचर के साथ स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, और कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन, ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी स्टैटिस्टिक्स का ये जो चैप्टर है, ऑब्जर्वेशन से डाटा है, ठीक है, एनालिसिस है, ये सारे फील्ड में यूज़ होता है, तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी द नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।